फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको टाई एंड डाई बताऊंगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने एक हैंकी ली हुई है, इस पर मैं टाई करना बताऊंगी और उसके बाद डाई करना बताऊंगी। तो चलिए सबसे पहले इस हैंकी को हम टाई करते हैं। उसके लिए हमें कुछ पिंस ली हुई हैं और हैंकी को इस तरीके से हमें फोल्ड करना है। इस तरीके से ऐसे फोल्ड किया और फिर इस तरीके से। अब यहाँ पे हमारे निशान ये पड़ गए हैं, अब हमको फोल्ड करने में आसानी रहेगी। हमने सबसे पहले ऐसे हमको फोल्ड करना है और फिर इस तरीके से और अब इस तरीके से। ऐसे हमने फोल्ड कर लिया है, अब हमें इसको फोर फोल्ड में करना है। सबसे पहले ऐसे कर लेंगे, इससे निशान आ जाएंगे हमारे जहाँ पे हमें फोल्ड करना है। उसके बाद इस तरीके से कर लेंगे। अब हमारे देखिए निशान आ गए हैं, हमको ऐसे अब हम इसको इस तरीके से फोल्ड करेंगे, फिर इसको पलट के इस तरीके से फोल्ड करेंगे और अब इसको इस तरीके से फोल्ड करेंगे। और हम अब ये जो पिंस हैं इसके चारों तरफ से इसे लगा देंगे इस तरीके से। ये देखिए हैंकी को बांधने के लिए इस तरीके से मोड़ के हाथ में इस तरीके से बंडल टाइप का बना लेंगे और इसको बांध लेंगे। इसको चारों तरफ से बहुत टाइट बांधेंगे। और एक गांठ लगा के छोड़ देंगे और धागे को कट कर लेंगे। इस हैंकी को हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे। एक ऐसे फोल्ड कर लिया, फिर ऐसे करेंगे। अब हम इसको इस तरीके से मोड़ेंगे। और इस तरीके से मोड़ेंगे, फिर इस तरीके से मोड़ेंगे, फिर इस तरीके से मोड़ेंगे और इस तरीके से इसको फोल्ड कर दिया है। सबसे पहले हम इसको इस हैंकी को इस तरीके से बांधेंगे, टाइटली बांधेंगे। अब इस तरीके से बांधेंगे और एक गांठ लगा के इस तरीके से छोड़ देंगे। अगली हैंकी को भी हम उसी तरीके से मोड़ेंगे जो पिछली हैंकी मोड़ी थी। इस तरीके से मोड़ेंगे, इस तरीके से हमने मोड़ लिया है। अब इस हैंकी को हम इस कोने से इस तरीके से मोड़ेंगे। इस कोने से हमने ऐसे मोड़ दिया, ऐसे मोड़ने के बाद हम पीछे से इस तरीके से ऐसे मोड़ेंगे। इसके बाद फिर हम इस तरीके से ऐसे मोड़ेंगे। उसके बाद फिर हम इस तरीके से मोड़ेंगे और इस तरीके से। हैंकी को हमने इतने फोल्ड में मोड़ा है, ये देखिए। अब हम इस हैंकी को इस तरीके से बांधेंगे। इस तरीके से हम इस हैंकी को बांधेंगे, बहुत टाइट बांधेंगे। अभी इधर से इस तरीके से मोड़ेंगे, ऐसे बांधेंगे। ये देखिए हमने हैंकी को बांध लिया है। इस हैंकी को बांधने के लिए हम कुछ मटर के दाने यूज करेंगे। ये देखिए
मैंने मटर के दाने ले लिए हैं और अब इस हंकी में हम मटर के दाने बांधने के लिए प्लेसमेंट करेंगे, क्योंकि ऐसी कोई चीज़ कहीं पे नहीं बांधी जाती है, उसके लिए प्लेसमेंट बहुत ज़रूरी है और वरना हमारी डिजाइन इधर उधर हो जाएगी। अब प्लेसमेंट के लिए सबसे पहले हमें बीच में एक निशान लगाना होगा। हमने बीच में निशान लगा दिया है, यहाँ पर एक मटर का दाना बांधेंगे। उसके बाद हम स्केल से नाप के, जैसे कि मैंने यहाँ पर 3.5 इंच पे, तो मैं 3.5 इंच पे अपना निशान लगा लूँगी और इस तरफ भी 3.5 का निशान लगाएंगे इस कोने से, और इधर भी 3.5 इंच का निशान लगाएंगे। अब हमें इसके बीच में एक एक और मटर का दाना बांधना है, तो हम इसी तरीके से अपने इसी के अकॉर्डिंग इसके सामने हम निशान यहाँ पर एक एक और लगा लेंगे, इस तरीके से इसके सामने बिल्कुल लगाएंगे और यहाँ पर लगाएंगे, यहाँ भी। अब हमने मटर के दानों को बांधेंगे, मटर का दाना लिया और पीछे से मटर के दाने को रखेंगे इस तरीके से और बांध देंगे। आगे को कट कर देंगे। अब हम अगला मटर का दाना यहाँ पर बांधेंगे। इस हैंकी को बांधने के लिए पहले हम इस तरीके से मोड़ लेते हैं, पता चल जाए कितनी परत बनी है। इस तरीके से मोड़ेंगे और इस तरीके से ऐसे हैंकी को मोड़ेंगे। इस तरीके से हैंकी को मोड़ने के बाद फिर हम इसको इस तरीके से पलट लेंगे। एक स्पून का यूज करेंगे, एक स्पून हम इधर से लगाएंगे हैंकी के और एक स्पून हम इस तरफ से लगाएंगे। इस तरीके से इसको हम बांध लेंगे। ये देखिए मैंने स्पून बांधा हुआ है हैंकी में। इसको टाई करने के लिए मेरे पास ये थोड़ा सा माइका का टुकड़ा पड़ा हुआ था और इसको हम इसको इस हैंकी में यूज करेंगे। इस माइका के टुकड़े को हैंकी पर इस तरीके से रखेंगे, इस तरीके से रखेंगे इसको और इस हैंकी को इस टुकड़े पर लपेट देंगे इस तरीके से। ये देखिए हमने लपेट दिया है और हम अब धागे से इसको बांध देंगे। इस तरीके से इसको हम लपेटेंगे। ये देखिए हमने हैंकी को इस माइके के टुकड़े के ऊपर लपेटा हुआ है। इस हैंकी को हम टाई करने के लिए ये एक मेरे पास एक डोरी पड़ी हुई है, इसको यूज करेंगे। इस डोरी को जो है हम हैंकी के किनारे पर ऐसे रखेंगे और इसको इस तरीके से इसमें लपेट देंगे। इस तरीके से हम इसको लपेट देंगे। ये देखिए हमारी हैंकी को हमने लपेट दिया है, इसको हम धागे से बांध देंगे। अब इस हैंकी को हम इस तरफ से पकड़ के ऐसे इसको सिकोड़ेंगे इस तरीके से। ये देखिए हमने हैंकी को अच्छी तरीके से सिकोड़ लिया है। अब इसमें एक हम गांठ लगा देंगे। ये देखिए हमने इसमें गांठ लगा दी और एक छोटी सी गांठ और लगा देंगे। ये देखिए हमने इस तरीके से हैंकी को बांधा हुआ है। इस हैंकी को टाई करने के लिए हम एक कॉम्ब का यूज करेंगे। कॉम्ब को हम इसके अंदर इस तरीके से रखेंगे। कपड़ा एक्स्ट्रा बच रहा है, इसको हम इस तरफ से फोल्ड कर देंगे और इस तरफ का एक्स्ट्रा कपड़ा ऐसे फोल्ड कर देंगे और अब हम इस पर धागा लपेटेंगे। इस हैंकी को बांधने के लिए हम एक कंघी का यूज करेंगे। सबसे पहले इस तरीके से फोल्ड करेंगे, उसके बाद फिर
इस तरीके से हैंकी को फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद अब हम ऐसे फोल्ड करेंगे। मुझे हैंकी को डाई करने के लिए ये मैंने भगोने में इतना पानी ले लिया है। इस पानी को हम बॉईल करेंगे। ये देखिए मेरा पानी बॉईल हो रहा है। अब पानी के बॉईल होते ही मैं इसमें एक चम्मच नमक डालूंगी। नमक जो होता है कलर को फिक्स करता है। एक चम्मच नमक इसमें डालेंगे और एक चम्मच इसमें हम खाने वाला सोडा डालेंगे। उसको हम चला देंगे। पानी को अच्छे से हम बॉईल होने देंगे। पानी हमारा अच्छे से बॉईल हो चुका है। इसमें हम अब ब्लू कलर में मिक्स करेंगे। इसमें हम लगभग 1.5 चम्मच ब्लू कलर मिक्स करेंगे। और इसको हम अच्छे से चला देंगे। कलर हमने मिक्स कर दिया है और अब हम गैस को ऑफ कर देंगे। अब इसमें ये जो हैंकी है फ्राई किए हुए थे ये इसमें ही हम इसमें डाल देंगे। इस तरीके से इसमें हम सारे डाल देंगे। और इसको हम चलाते रहेंगे अच्छे से। अब इन हैंकी को हम निकाल लेंगे एक थाली में। अब इन हैंकी को एक साफ पानी में धो के अच्छे से निचोड़ लेंगे। ये हमने हैंगी को साफ पानी में धो के और अच्छे से निचोड़ लिया है। अब इनको हम खोल के देखते हैं ये कैसे बने हैं, इनका कैसा लुक आया है। चलिए इनको हम खोलते हैं। ये मैंने पिंस निकाल ली हैं। अब देखते हैं इसके अंदर का लुक कैसा है। ये देखिए इसका लुक कुछ इस तरीके से आया है। इसको खोलने पर देखते हैं इसका लुक कैसा है। ये देखिए इसका लुक कुछ इस तरीके से आया हुआ है। चम्मच वाला खोलते हैं।
का लुक देखते हैं कैसा है। देखिए फ्रेंड्स, इसमें मैंने मटर के दाने बांधे हुए थे जो मैंने खोल लिया है। अब देखते हैं इसका लुक कैसा आता है। ये देखिए, अब मैं मटर के दाने से निकाल लूंगी। ये मैंने मटर के दाने निकाल लिए हैं। अब देखते हैं इसका लुक कैसा आता है। ये देखिए, इसका लुक इस तरीके से आ रहा है। ये सारे हैंकी खोल लिए हैं और अब मैं इन सारे हैंकी को एक बार और अच्छे पानी में धो के फिर इनको मैं छाया में सुखाऊंगी। उसके बाद देखते हैं कि इसका रियल लुक कैसा आता है। तो फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं सूखने के बाद हमारे हैंकी कैसे दिख रहे हैं। ये देखिए, सूखने के बाद हमारे हैंकी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। इसी तरीके से हम आपके लिए नए नए आइडियाज़ लाते रहेंगे। थैंक यू।